लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटों पर जीत का बड़ा दावा कर रही है और दमखम भी लगाया जा रहा है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बताया कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होने वाली हैं। फिलहाल तारीख और स्थान तय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि रैलियां होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है और जल्द ही इस बारे में जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर सियासी हमला किया, कहा कांग्रेस पार्टी बीजेपी के 10 सालों के काम से घबरा गई है। जी की ओर से आ गया है कि 3 कार्यक्रम यहाँ प्रदेश में करेंगे, वो बातचीत चल रही है और उसमें हम एक प्रपोज्ड कार्यक्रम बना करके बहुत जल्दी भेज देंगे, फाइनल दिशा होगा बताएंगे। देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास विधानसभा के मुद्दे नहीं हैं, हमारे पास भी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज चूँकि जनता को भी अवेयर करना जरूरी है कि लोकसभा में केंद्र सरकार के ही मुद्दे रखने चाहिए। मोदी जी ने जो कुछ देश में किया है 10 साल में, मैंने बताया ना अभी भी मैंने बताया कि कांग्रेस इससे बड़ी परेशान हो रही है कि जो काम मोदी जी ने 10 साल में कर दिए वो हम 55-60 साल में नहीं कर पाए।